बिलासपुर शहर में कार्यरत समाज सेवी संस्थाओं के समेत सेवियों ने पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाया है कि जब नशीले पदार्थ बेचने वाले सौदागरों को पकड़ने के लिए समाज सेवी सूचना देते हैं तो पुलिस कर्मियों के द्वारा रेड की जाती है। हैरानी की बात तो ये है कि रेड से पूर्व ही पुलिस के कुछ कर्मी नशे के सौदागरों को रेड के प्रति सूचित कर देते हैं। जब रेड की जाती है तो अंदर कुंडी लगाकर समाज सेवियों को दूर रखा जाता है। समाज सेवी संस्थाओं के समेत सेवियों ने चेतावनी भी दी है कि यदि नशे के अवैध कारोबार में शामिल आरोपियों को पुलिस ने नहीं पकड़ा तो समाज सेवी संस्थाएं मिलकर नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस द्वारा इसे रोकने के दुलमुल रवैये के खिलाफ आंदोलन खड़ा करेगी। खेतों में फसल की रक्षा के लिए लगी ही फसल को खाने लग जाए तो ऐसे में बाढ़ की क्या आवश्यकता शेष बचती है। बिलासपुर शहर में कार्यरत समाज सेवी संस्थाओं के समेत सेवियों ने पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाया है कि जब नशीले पदार्थ बेचने वाले सौदागरों को पकड़ने के लिए समाज सेवी सूचना देते हैं तो पुलिस कर्मियों के द्वारा रेड की जाती है। हैरानी की बात तो ये है कि रेड से पूर्व ही पुलिस के कुछ कर्मी नशे के सौदागरों को रेड के प्रति सूचित कर देते हैं। जब रेड की जाती है तो अंदर कुंडी लगाकर समाज सेवियों को दूर रखा जाता है। ऐसे भी मामले सामने आए हैं उतने में नशे के सौदागर नशीले पदार्थों को टॉयलेट के माध्यम से गटर में बहा देते हैं। हमारे कहने का अर्थ मात्र इतना सा है कि नशीले पदार्थों के अवैध गैर कानूनी कारोबार में संलिप्त अपराधियों के गिरेबान तक पुलिस को सूचना उपलब्ध करवाकर सहयोग प्रदान करने वाले समाज सेवियों पुलिस कर्मियों की लाचार कार्यशैली से समाज सेवी अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं। इस मामले को समाज सेवियों ने गंभीरता से लेते हुए बिलासपुर प्रेरी गृह में विभिन्न समय से भी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया। ये बैठक नगर सुधार समिति के आह्वान पर आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता नगर सुधार समिति के अध्यक्ष दिनेश कुमार ने की। बैठक में रोष प्रकट किया कि पुलिस के सामने अवैध नशा बेचने के आरोपी ने समिति के प्रधान दिनेश कुमार व मुनीर अख्तर लाली को जान से मार देने की धमकियां दी, वो गालियां दी, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बन खड़ी रह गई। बैठक में कहा गया कि गत 6 सितंबर को जब पुलिस ने नशे को पकड़ने के लिए डियारा सेक्टर में छापेमारी की तो इस छापेमारी के दौरान ही आरोपी ने समिति से प्रेस सचिव तनु सोनी, कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र सहित अन्य कई लोगों के सामने ही धमकियां दी। बैठक में सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित कर जिला प्रशासन सहित पुलिस प्रशासन से मांग की गई कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कर आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए तथा आरोपी के गालियां देते समय जो पुलिसकर्मी मूक दर्शक बनकर खड़े रहे उन पर विभागीय कार्रवाई की जाए। साथ ही नगर सुधार समिति के पदाधिकारियों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। बैठक में ये भी कहा गया कि समाज सेवा में लगी संस्थाओं के लोगों को यदि ऐसी धमकियां मिल सकती हैं तो आम आदमी की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। चेतावनी भी दी गई कि यदि नशे के अवैध कारोबार में शामिल आरोपियों को पुलिस ने नहीं पकड़ा तो सभी समाज सेवी संस्थाएं मिलकर नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ व पुलिस द्वारा इसे रोकने की ढुलमुल रवैये के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करेगी। ये भी निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही नशे के खिलाफ एक बड़ी जन जागरण रैली शहर में निकाली जाएगी। इस बैठक में विभिन्न समाज सेवी संगठनों के समेत सेवियों ने भाग लिया। आजकल गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है, नशावृत्ति बहुत बढ़ गई है जिसमें छोटे छोटे बच्चों को भी बर्बाद किया जा रहा है। जबकि पुलिस को हम बुलाते हैं तो पुलिस अंदर बैठ के कुंडा लगा के हमें बाहर कर देती है। दो दो घंटे हमें बाहर खड़ा रखा जाता है। जबकि पिंटू के केस पकड़ाया था हमने तो 1.5 घंटा हम बाहर रहे थे, फिर भी उसके पास 4 ग्राम चिट्टा और 6 ग्राम चरस, 19 मोबाइल और 2 बेटिंग मशीनें मिली थी। उसके बाद वो बिटनेस में बनी थी, गुआ में बनी थी, तो मुझे धमकियां मिली और 2-3 दफा उन्होंने छीना झपटी की मेरे साथ और मैं पुलिस के पास गई। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया जबकि वो केस चला हुआ है। उसने बोला आपने गुआई क्यों दी और क्यों आप हमारे पीछे पड़े, हम तो ऐसा करते रहेंगे, हम तो सबको बर्बाद करेंगे। जबकि उसमें छोटी छोटी लड़कियां और कोई 12 साल से 18 साल के बीच की लड़कियां हैं जिनको वो नशा वृत्ति कराते हैं और उनसे ही नशा बिकवाते भी हैं। एक जो गौरव है वो लड़का, जब मैं कभी गाय की सेवा करती हूँ, कुत्ते की सेवा करती हूँ, मैं समाज सेविका हूँ तो मैं बहुत सेवा करती हूँ उनकी। जब मैं उनको गाय को जैसे खाना देने गई या कुछ भी करने गई तो वो गाड़ी लेके आता अकेला, थोड़ी देर में वो 4-5 लड़कों को लेके जाता है जिसमें वो छोटी छोटी पुड़िया देता है नशे की। और उसमें जब हम हेल्प करते हैं, नगर सुधार समिति हेल्प करती है, हमारे दिनेश जी उसके प्रधान हैं, तो सब लोग हम खड़े हुए कंधे से कंधे मिला खड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी हम पुलिस को बुलाते हैं तो पुलिस जो है वो यहाँ की पुलिस नहीं हमें चाहिए,
यहाँ की पुलिस जो है उनके साथ मिली हुई है, जबकि अंदर बैठ के वो सारा नशा जब हम बाहर होते हैं तो वो नशा फ्लश में बहा देते हैं, करोड़ों का माल उनका वैसे चला जाता, फिर उन्होंने हमारे बच्चों से करोड़ों के कमा लेना, और छोटे छोटे बच्चे जो नशे में धकेल रहे हैं। हमें ऐसी पुलिस नहीं चाहिए, हमें एसपी जी के साथ मिलना है। बक्तोचर एक छोटी सी ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।